घर घर मिठाइयाँ बनती हैं और कई घरों में मिठाइयाँ मंगाई जाती हैं। आज हम ड्राई फ्रूट से मिठाई बनाएंगे। मेरे एक हाथ में है अंजीर। अंजीर से हार्ट, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और अनीमिया में बड़ा फ़ायदा होता है। और मेरे दूसरे हाथ में है खजूर। खजूर से नर्वस सिस्टम, प्रेगनेंसी, हार्ट और डाइजेशन में बहुत फ़ायदा होता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर आज हम बनाएंगे अंजीर खजूर बर्फ़ी। आइए बनाते हैं। अंजीर खजूर बर्फ़ी बनाने के लिए हमने 15 अंजीर को 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। ये घी है 2 चम्मच। ये खजूर हैं 10 से 15 जिनको हमने पानी में 2-3 घंटे पहले भिगोया था। ये बादाम है हमने काट कर रखे हैं, 20 बादाम हमने काट लिए हैं। ये 10 पिस्ते हमने काट लिए हैं और ये काजू हमने 15 से 20 काजू काट कर यहाँ रख लिए हैं। सबसे पहले हम अंजीर को ग्राइंड करेंगे। ये हमने एक मिक्सिंग जार लिया है, उसमें इसको डाल देंगे। ये अंजीर हमारी पिस गई है, अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है खजूर को पीसने की। मिक्सिंग जार में हम खजूर डालेंगे। इनके सीड्स हमने निकाल लिए थे। लीजिए, खजूर भी हमारा पिसकर तैयार है। गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया और वो गर्म हो गया। अब ये घी जो हमने लिया था 1 से 2 चम्मच देसी घी, वो इसमें डाल देंगे। घी गर्म हो गया, वो इसमें डालेंगे हम अंजीर जो हमने पीस के रखी है और ये खजूर जो हमने पीसा है। अब दोनों को हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे। खजूर और अंजीर का ये मिश्रण अच्छी तरीके से भुन गया है। कढ़ाई में इसको छोड़ भी दिया है, साइड में नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि भुन चुका है। अब इसमें मिक्स करेंगे हम ड्राई फ्रूट। सबसे पहले बादाम। ये काजू, ये पिस्ते। सबको मिक्स करके हम थोड़ी देर और भूनेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। आप सोच रहे होंगे इसमें चीनी नहीं पड़ी है, लेकिन खजूर और अंजीर दोनों ही बहुत मीठे होते हैं, इससे चीनी की जरूरत नहीं होती है। ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हम बर्फी जमाएंगे। बर्फी जमाने लायक हमारा मिश्रण तैयार हो गया। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे। और ये मिश्रण हम ग्रीस लगी हुई ट्रे में डाल देंगे। इसको बराबर कर देंगे। ये मिक्सचर जब ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तब हम इसके पीसेस काटेंगे। बर्फी वाला मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया, अब इसके हम पीसेस काट लेते हैं।
तो लीजिए, हो गई तैयार हेल्दी और लाजवाब अंजीर खजूर बर्फी। इस दिवाली आप भी बनाइए और फैमिली के साथ खुशियां मनाइए। मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मुलाकात होगी इसी तरीके की एक और रेसिपी में। तब तक के लिए रेणु शुक्ला का नमस्कार।